हेलो फ्रेंड्स, आज हम काश्यप संहिता खिल स्थान अध्याय 24 मांस गुण विशेषाध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ही अध्ययन हम करेंगे। इस अध्याय में विभिन्न प्रकार के मांस के गुण धर्म बताए गए हैं। मांस के बारे में कहा है, मांसम वृष्यम च बल्यम च मांस प्राण विवर्धनम वृद्ध कृशानम मांस वर्धनम, अर्थात मांस वृष्य बल्य एवं प्राणियों में प्राण का वर्धन करता है एवं वृद्ध और कृश रोगियों में मांस का वर्धन करता है। मांस पुष्टिकर अर्थात शरीर में पुष्टि भी उत्पन्न करता है। क्षय से ग्रस्त रोगियों में जिनका शरीर क्षीण हो गया हो, क्षयी नाम क्षीण देहा नाम मांसम एवं प्राणम न मांस तुल्य अन्य त्वा आरोग्य वीर विवर्धनम, ऐसे रोगी जिनका शरीर क्षय से क्षीण हो गया हो उनमें मांस के सदृश अन्य कोई पदार्थ नहीं है जो कि आरोग्य और वीर्य का वर्धन कर सके। नराणाम क्षीण शुक्राणाम मांसरेत अभिवर्धनम बंध्यानाम अपि नारीणाम कुमाराणाम तथैव च, अर्थात जिन पुरुषों का शुक्र क्षीण हो गया हो उसमें मांस का सेवन करने से रक्त शुक्र की अभिवर्धन होता है एवं यह मांस बंध्या स्त्रियों हेतु एवं बालकों हेतु भी प्रशस्त बताया गया है। गर्भाधान कर्म मांसम अंते पुष्टि कर्म तथा मांस गर्भ आधान कारक गर्भ की स्थिति उत्पन्न करने वाला एवं पुष्टिकारक बताया गया है। गर्भिणी नाम च नारी नाम वात प्रशमनम परम, अर्थात गर्भिणी स्त्री में यदि मांस का सेवन किया जाता है तो वात रोगों को नष्ट करता है। गर्भकाले च बाला नाम सरसम परम औषधम, यानी गर्भस्थ शिशु गर्भस्थ बालकों में यदि मांस रस का प्रयोग किया जाए तो यह परम औषध कहा गया है। स्त्री प्रियाणाम तथा पुंसाम नित्य व्याम सेविनम, जो पुरुष अत्यधिक स्त्री का संयोग करते हैं नित्य व्यवाय में प्रवृत्त रहते हैं जिनका शरीर क्षीण हो गया हो जिनका शरीर यक्ष्मा से क्षीण हो गया हो एवं जो ज्वर से क्षीण हो गए हो अथवा जो वात रोग से ग्रस्त हो उनके लिए मांसरस अत्यंत हितकारी बताया गया है। विशेष रूप से वातिक रोगों में मांसरस जो वीड जीरक हिंगू आदि द्रवों से सुसंस्कृत हो एवं स्नेह और दुग्ध से सिद्ध हो उसका प्रयोग वात रोगों में हितकारी बताया गया है। वात पित्त जनित व्याधि में शर्करा मधु से सिद्ध मांस रस का प्रयोग करना चाहिए तथा इसी प्रकार का मांस रस का प्रयोग रक्त आमयार्दित है यानी रक्तज विकार रक्त विकार से पीड़ित रोगियों में भी करना चाहिए। सुसिद्धम लवणे सिद्धम मांसम कटु रोचनम काय अग्नि दीपनम चेव, अर्थात जो मांस रस लवण एवं कटु द्रव्यों से सिद्ध होता है वह काय अग्नि अर्थात जठराग्नि का वर्धन करता है। सुल्य अंगारम तप्तम च मांसम श्लेष्म आमये हितम, वह मांस जो कि सुल्लो अर्थात लोहे के सलाका में पकाया गया हो वह श्लेष्म आमये अर्थात कफज विकार में हितकारक होता है। अथ मांस रसम सर्पी सिद्धम स क्षीरम इष्यते रस पाक विशेषण तदबल्यम तदरसायनम, वह मांस रस जो कि सर्पी एवं क्षीर से सिद्ध होता है वह विशेष रूप से बल्य एवं रसायन होता है। कफ पित्त कर्म मांसम गवा वाते हितम गुरु, गव्य का मांस कफ पित्त उत्पन्न करने वाला वात में वात रोग में हितकारी एवं गुरु होता है एवं गव्य मांस के सदृश ही गुण खग मांस के बताए गए हैं यानी गेंडे के मांस का गुण भी गव्य यानी गाय के मांस के समान बताया गया है। न्यून कुनाम विहितम वाते कफ पित्त हरम लघु अर्थात सांभर का मांस वात रोगों में हितकारी एवं कफ पित्त नाशक एवं लघु बताया गया है। सशारम दंतिनम मांसम ब्रीहणम कटु तिक्तकम, अर्थात हस्ती का मांस किंचित क्षारयुक्त होता है तथा यह ब्रीहण करता है कटु तिक्त रसात्मक होता है एवं वीर्य में उष्ण होता है। यह कफपित्त करोतीचा अर्थात कफपित्त रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है।
गोकर्ण मांसम तातुल्यम गवस्य रूरोपी, अर्थात गोकर्ण, गवय एवं रूर इन सभी जंतुओं के मांस का गुण हाथी के मांस के गुण के सदृश ही बताया गया है। रसे पाके च मधुरम वात पित्त हरम गुरु उष्णम च एव चच्छाग मांसम समा अविकम चापि तद गुणम, अर्थात छाग यानी बकरे का मांस का रस और विपाक मधुर, वात पित्त नाशक एवं गुरु होता है तथा यह वीर्य में उष्ण बताया गया है, तथा ऐसे ही गुण युक्त अविक यानी भेड़ी के मांस के गुण भी सिमिलर ही ऐसा बताया गया है। वृषम तु मांसम वाराहम मधुरु गुरु पच्यते तद गुणम माहिसम विद्धम सोकरम स्यात ततो गुरु, अर्थात माहिस के मांस का गुण सोकर यानी सुअर के मांस के गुण के सदृश बताया गया है, परंतु सुकर के मांस विशेष रूप से माहिस के मांस से थोड़ा गुरु होता है। वराह के मांस के गुण बताए गए हैं, वृषम वृष्य होता है, यह मधुर होता है तथा गुरुपाक यानी पचने में भारी होता है। बाहिरिणम मधु उष्णम तु विशग्नम गुरु ब्रीहिणम, अर्थात मयूर मोर का मांस मधुर उष्ण विषनाशक गुरु और ब्रीहण कारक होता है, तथा मयूर के मांस के सदृश ही कुक्कुट यानी मुर्गे का मांस के गुण बताया गया है। इसी प्रकार अन्य पशु पक्षियों के मांस के गुण बताए गए हैं। हम यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट्स का ही अध्ययन कर रहे हैं। हंसस्तु गुरु अत्यर्थम वृष्यो अथ कफ पीतला, अर्थात हंस के मांस का गुण के बारे में बताया गया है, वह गुरु होता है, वृष्य होता है तथा कफ पित्त को उत्पन्न करने वाला बताया गया है। अनुप मांस में विशेष रूप से छाग यानी बकरे का मांस श्रेष्ठ बताया गया है। मछलियों में रोहित मछली श्रेष्ठ बताई गई है। जलज प्राणियों में सुक्ति और कूर्म विशेष रूप से श्रेष्ठ बताए गए हैं। पक्षियों में वरटी श्रेष्ठ बताई गई है। एड़ में मृग का मांस श्रेष्ठ बताया गया है। प्रतुद में सूख का मांस श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक इसी प्रकार खग में लाप का मांस श्रेष्ठ बताया गया है। विस्किर वर्ग में तित्तिर का मांस विशेष रूप से अग्र बताया गया है, एवं प्रसह में काक यानी कौवे का मांस विशेष रूप से अग्र बताया गया है। लघुक्तम रुधिरम मांसात गुरु मेदश्च चर्मच मज्जावसे गुरु तरे तेभ्य गुरु शिरः स्मृतम, अर्थात रुधिर मांस से लघु होता है एवं मेद तथा चर्म मांस से गुरु बताए गए हैं। मज्जा वसा गुरुत्तरे और मज्जा वसा मेद एवं चर्म से भी गुरु बताए गए हैं, तथा वसा और मज्जा से गुरु सिर बताया गया है। यहाँ पर आचार्य काश्यप कहते हैं लघु स्कंधो ही सिरह सह तस्मात पार्श्व लघु स्मृतम, अर्थात सिर से लघु पार्श्व बताया गया है, अर्थात सिर प्रदेश के मांस से लघु स्कंध का मांस लघु बताया गया है, यानी सिर से लघु मांस स्कंध और स्कंध से लघु मांस पार्श्व का और पार्श्व से लघु मांस पार्श्वात शक्ति, अर्थात शक्ति का मांस पार्श्व से लघु बताया गया है, तथा यहाँ कहा गया है पाद मांस गुरु स्मृतम, तथा पाद का मांस गुरु होता है। एक बार फिर समझ लीजिए, सिर का मांस से लघु स्कंध का मांस, स्कंध के मांस से लघु पार्श्व का मांस और पार्श्व के मांस से लघु शक्ति का मांस होता है, तथा पाद का मांस यानी पैर का मांस जो है विशेष रूप से गुरु बताया गया है। वसा मेद मज्जा च वात पित्त हिता स्मृता, वसा मेद और मज्जा वात पित्त रोग में हितकारी बताए गए हैं, रस और विपाक में मधुर होते हैं और यह श्लेष्म को प्रकुपित करते हैं, क्योंकि यह इनके गुण श्लेष्मा के सधर्मी होते हैं। रक्तम रक्तम प्रशमनम, रक्त जो है रक्त का प्रशमन करता है, एवं मांस मांस विवर्धनम, मांस मांस का सेवन करने से मांस का वर्धन होता है। गुरुओ प्राणिनो बाला युवानो ब्रीहण ब्रीहणा, अर्थात बाल
यानी छोटी उम्र के जंतुओं का मांस गुरु एवं युवा वर्ग के जंतुओं का मांस वृष्य ब्रिहण, वृद्धास्तु वातला रुक्षा यानी वृद्ध जंतुओं का मांस वातवर्धक एवं रुक्ष बताया गया है। पुंसभ्यस्तु लघवा स्त्रिया अर्थात पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां लघु बताई गई हैं। मृगाच लघुतरह पक्षी, मृग से लघु पक्षियों का मांस एवं पक्षीभ्यो अम्बु चरो गुरु और पक्षियों से गुरु जलचर बताए गए हैं, यानी मृग से लघु पक्षी और पक्षी से गुरु जलचर बताए गए हैं। महाशरीरस च अल्पकाया लाघवो जीवका स्मृता अर्थात बड़े शरीर वाले जंतुओं में जिस जंतु का शरीर छोटा होता है वह उसका मांस लघु होता है। तथा विज्ञेय च अल्प भुक्तोभ्यो अपि गुरुवो बहु भोजना अर्थात जो अधिक भोजन करने वाले जंतु हैं उनका मांस गुरु बताया गया है। लघुओ अल्प भूमिचरा जो अल्प भूमिचर होते जंतु हैं जो थोड़ी भूमि का को चरते हैं उनका मांस लघु बताया गया है। तथा अलसभ्य विदुर्गा एवं आलसी प्राणियों में जो दूर तक जाकर चरते हैं उनका मांस भी लघु बताया गया है। लघु देश चरा अल्पा जो छोटे देश लघु देश मतलब अल्प चर यानी चारा का सेवन करते हैं जो जंतु उनका मांस भी अल्प लघु बताया गया है एवं जो लघु भोजन करते हैं उनका मांस भी लघु बताया गया है। इसी प्रकार जो गुरुदेश चर हैं जो जंतु गुरुदेश में चरते हैं और जो स्थूल है गुरु भोजन करते हैं उनका मांस गुरु होता है। तथा जाल में पाशबद्धम गुरु मांसम पाशबद्धम अर्थात जाल में फंसा कर मारे गए जंतुओं का मांस गुरु बताया गया है। तथा क्षुद क्षुद आभि अभिहर्तम अर्थात भूख से पीड़ित जंतु का मांस जो है वह रुक्ष बताया गया है। और यहाँ कहा गया है सौ भी हतः पीत रक्तम नाति ब्रिहणम उच्चते अर्थात यदि किसी जंतु का रक्त का पान कुत्ते द्वारा कर लिया जाता है तो उसका मांस जो है अधिक ब्रिहण नहीं होता है। और इसी प्रकार आगे कहते हैं आचार्य सदो अपरिक्लिष्ट हतम मांसम धातु विवर्धयति यदि सद्य मांस का सेवन किया जाता है जो ज्यादा देर तक या ज्यादा दिनों तक रखा हुआ ना हो ऐसे मांस का सेवन करने से मांस धातु का विवर्धन होता है। इसी प्रकार आचार्य कहते हैं एवं मांस विशेषज्ञ कल्पेद भोजन ने सदा अर्थात इस प्रकार जो है विभिन्न प्रकार के जंतुओं के मांस के गुण धर्म को जानने वाले चिकित्सक को विभिन्न प्रकार के मांस रस की कल्पना करनी चाहिए। ऐसे आचार्य चरक भी कहते हैं मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्धि युक्ति प्रतिष्ठिता युक्ति यो ऊपरी तिष्ठति द्रव्य ज्ञान वतापरा अर्थात युक्तिज्ञ भिषक को श्रेष्ठ कहा गया है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मांस रस के गुण धर्म बताए गए हैं तो यह चिकित्सक के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस प्रकार के मांस रस का कल्पना अपने रोगी को बताता है। वह उसके रोग के ऊपर वह उसके अग्नि के ऊपर उसके देश के ऊपर उसके दोष आदि की कल्पना कर उसकी चिकित्सा करता है। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। आपको यह पसंद है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप और चैप्टर्स आगे के पढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस।